अगर आप भी दे के आ रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10th के सेकेंड सेटिंग के मैथ का एग्जामिनेशन, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं राहुल कुमार इसी तरह से आप लोगों के लिए बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं 12th सेकेंड सेटिंग में पूछे गए 10th के एग्जामिनेशन क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 10th क्लास का जो सेकंड सेटिंग में पूछा गया है उसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके सेट अलग हैं तो आप वीडियो को रोक रोक के और देख सकते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन कहाँ हैं, क्योंकि जिस तरह का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ आपको और कहीं नहीं मिलेगा, तो आप यहीं से आंसर लीजिए क्योंकि यहाँ मैं 50 का 50 सही करता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपका अगर दूसरा में नंबरिंग कहीं चेंज है तो आप वीडियो को रोक के और देख सकते हैं कि कहाँ पर आपकी नंबरिंग आई है। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, तो ये देखिए मैंने प्रथम 5 विषम संख्याएं लिखी है, इसका माध्य ऐसे तो आप राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से निकाल सकते हैं, ऐसे बीच वाली संख्या माध्य होती है, तो ऑप्शन नंबर तो 5 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। के किस मान के लिए समीकरण इतना के अनंत हल है, तो यहां पे हो जाएगा इतना बटा इतना, यानी 1/5 बराबर 2/k, तो k का वैल्यू के इधर आ जाएगा, 2 इधर चल जाएगा, तो k का वैल्यू हो जाएगा 5 × 10, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, तो यहां पे जो 64/81 आप देख रहे हैं वो अपरिमेय नहीं है क्योंकि इसका रूट निकल जाएगा 8/9, जो कि एक अपरिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सारे अपरिमेय हैं और का हम डायरेक्ट इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं। इसके मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के, मतलब कि मूलों का योग जो है जो शून्य होने वाला है, तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, मूल बराबर है लेकिन विपरीत प्रकृति के, तो मूलों का योग हो गया शून्य, फॉर्मूला होता है बी, तो माइनस बी यानी -a/1, तो ए का वैल्यू हो गया 0, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका दशमलव प्रसार शांत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पे क्वेश्चन में या तो आप ए मारिए या बी मारिए, दोनों में आपको नंबर मिल जाएगा क्योंकि इसका भी दशमलव प्रसार शांत है और 6/15 का भी दशमलव प्रसार शांत है, यानी दोनों का, आपने दोनों में से कुछ भी किया हो बोर्ड आपको नंबर देगी 3/8 या 6/15, ये दोनों। और अगर इसमें आपको कोई ये है तो कमेंट बॉक्स में आइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बट इसमें 3/8 आप निकाल लीजिए, 3/8 का भी आपको निकल जाएगा शांत और 6/15 का भी आपको शांत निकल जाएगा 2/5 यानी 0.4 के समथिंग, तो इसमें ए या बी दोनों ऑप्शन सही है। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप कमेंट बॉक्स में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके मूलों का गुणनफल 8 है, तो मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, तो आप मूलों का गुणनफल 8 दिया हुआ है, c का वैल्यू यहाँ पे है a और a का वैल्यू है 1, तो a/1/8, तो a का वैल्यू 8 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी हुई है, तो इसके एक भुजा की लंबाई बताइए, तो विकर्ण भुजा बराबर होता है विकर्णों विकर्ण/2 का स्क्वायर, तो विकर्ण/2 यानी 30/2 = 15 और 40/2 = 20, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, रूट होके 625 का रूट 25, ऑप्शन नंबर सी। कौशक 90 - θ sec थीटा, साइन 90 - θ cos थीटा, sec थीटा cos थीटा गुना होके ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। बहुपद इतना के शून्यक कौन है, तो बहुपद इतना के शून्यक इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप गुणनखंड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप द्विघात सूत्र भी लगा लीजिए, आपको नॉर्मली ये मिल जाएगा आपको, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ओनली टिक कर दिया है। टीपी और टीक्यू यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एक वृत्त है और वृत्त पे ये टीपी और टीक्यू है, फिर यहाँ पे POR का जो वैल्यू है वो 120 है, तो सामने वाला 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है OTP, तो 60 का आधा 30, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से, एक त्रिभुज है, त्रिभुज में AD और DB का जो अनुपात है 3:5 है, AE का वैल्यू 4.8 है और EC का वैल्यू आपको निकालना है, तो हो जाएगा 3/5 = 4.8/x, तो 3 से ही कट जाएगा 1.6 बार का, x इधर आ जाएगा 16/5 = 80, इसका आंसर हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक पासे को जब हम फेंकते हैं तो अभाज्य संख्या आ सकती है 2, 3 या 5, तो 3 अभाज्य संख्या और 3 जो संख्या है वो अभाज्य नहीं होगी, तो एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या का प्रायिकता 3/6 यानी 1/2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि इतना है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr = 462, तो यहाँ पे जो होगा इसका ये बिल्कुल इस तरह से 2πr = 462, बाकी आपका हो गया 2×22/7×r = 462, ये कट गया 22 से 22 = 44 और 21 = 2 यानी 73.5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि दो चर
में दो रैखिक समीकरणों के अनंत हल होंगे, यदि उनके अनंत हल के लिए संपाती होती है, रेखाएं चढ़ी हुई होती है एक दूसरे पे, तो संपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं असमान है, तो वास्तविक एवं असमान के लिए होता है डी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर यानी कि चार का स्क्वायर माइनस चार गुना, चार का स्क्वायर माइनस चार गुना ए का के और सी का ए इज ग्रेटर देन जीरो, यानी चार का स्क्वायर सोलह इज ग्रेटर देन फोर के, कि जो माइनस में फोर के है वो इधर चला आया, तो के जो है जो लेस देन हो गया सोलह बट्टा चार, यानी के लेस देन चार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन है हमारा वन प्लस कॉट स्क्वायर है, वन प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर है, और वन प्लस साइन स्क्वायर होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो सेक ऊपर जाके कॉस और ये नीचे आके साइन, तो कॉस बटा साइन हो गया कॉट स्क्वायर। नेक्स्ट यदि कोई रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वो कहलाती है स्पर्श रेखा, पिछला बार आया था दो बिंदु पर मतलब फर्स्ट सेटिंग में, तो वो जीवा हुई थी, यहाँ पे केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो स्पर्श रेखा। ये किस प्रकार का, ये क्या एक परिमेय संख्या है, तो जी रेकरिंग है, इसको हम तोड़ सकते हैं, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, रेकरिंग है चूंकि। चलिए कॉस इज इक्वल टू हाफ, तो वन माइनस टू कॉस इज इक्वल टू हाफ, तो वन माइनस टू कॉस स्क्वायर का मान होगा, तो वन माइनस दो गुना इसका स्क्वायर हो जाएगा एक बटा चार, तो ये एक में से एक गया, तो हाफ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगा, जी बिल्कुल। चलिए इसमें आयत वगैरह वगैरह नहीं दिया है, तो सम चतुर्भुज होगा, ऑप्शन नंबर सी, बीस का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं इतना है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात तीन का स्क्वायर नौ, पांच का स्क्वायर पच्चीस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या आर ऊंचाई है और ऊंचाई एच है, तो इसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, पिछला बार शंकु पूछा था फर्स्ट सेटिंग में, किसी गोले का वक्रपृष्ठ इतना है तो इसकी त्रिज्या होगी, तो वक्रपृष्ठ का होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई सेंटीमीटर, पाई पाई कैंसिल, चार से ये कट गया, चार तिया 12 और चार छक 36, यानी आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है तोरण, देखिए कल मैंने वीडियो में इसको दिया था, संचयी बारंबारता वक्र तोरण। नेक्स्ट आगे का भी वीडियो के लिए आप आ सकते हैं चैनल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी सी और ए बी दिया हुआ है, ए सी का मान निकालिए, ए हमारा है 90 डिग्री, बी सी 13 है, ए बी 12 है, तो ए सी का मान 5 होगा पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का छठा और बारहवां पद इतना है, तो इसका पहला पद निकालिए, चलिए देखते हैं इसको निकाल, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन कर दिया है, आप वीडियो रोक के भी सॉल्यूशन देख सकते हैं कि किस तरह से इसको निकाला गया। देखिए यहाँ पे T12 का वैल्यू 25 और T6 का वैल्यू 13 करके मैंने घटा दिया, तो 12 ए कट गया, 11 में से 5 गया, तो 6D बाकी का सॉल्यूशन यहाँ पे है, ए का वैल्यू आया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कॉसेक 45 का मान है √2। नेक्स्ट यदि कॉट 15 कॉटे बराबर 8, तो साइन ए का वैल्यू बताइए, तो कॉटे का वैल्यू हो गया हमारा, कॉटे का वैल्यू हमारा हो गया 8/15, ये वैल्यू हो गया बी का, ये वैल्यू हो गया पी का, अब हमको एच निकालना, हमको एच निकालना है, तो एच निकल जाएगा 17, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, 200 तो एच हो जाएगा 17, तो पी का वैल्यू 15/17, यानी ऑप्शन नंबर ए साइन ए का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में कौन कॉस थीटा के बराबर है, तो कॉस थीटा के बराबर है 1 - sin²θ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30, इसके शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, तो -6/1 - 6, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ईजी सेट आया है और उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा हो। किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम होती है, अधिकतम प्रायिकता 1 होती है, पिछला बार में भी, पिछला सेट में भी दिया था ये, एपी में है तो पी का मान, तो एपी में है तो 2P+1 - P और फिर -1 =
4p माइनस वन माइनस 2p फिर माइनस वन, तो यहाँ हो गया 2p में से एक एक तो कट गया, 2p में से p गया, तो हो गया p बराबर 2p माइनस टू, तो 2 इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो p का वैल्यू हो गया 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दो वृत्तों के क्षेत्रफल इतना है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात कुछ नहीं, रूट कर दीजिए तो 2:1। नेक्स्ट, एक असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है, जो होगी नहीं उसकी प्रायिकता शून्य, टेन 65 और बटा कॉटेज कुछ नहीं बदलेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो पलट दिया तो माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी। रैखिक समीकरण इतना कैसा है, विरोधी है, क्या विरोधी है, चलिए देखते हैं। 1/2 बराबर 1/2, फिर ये हो गया 3/-5, 1/2 फिर हो गया 3/-5 और फिर हो गया 4/1, यानी कि ना ये बराबर है ना ये बराबर है, ठीक है, ना ये बराबर है ना ये बराबर है, तो ये जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो है अविरोधी का कंडीशन है, ये पूरा का पूरा चल जाइए। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एम पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या जो है जो 2m के रूप का ही हो सकता है, और m की कोई भी पूर्णांक है तो 2m ही हो सकता है, विषम संख्या रहेगी तो फिर ऑप्शन नंबर ए तो हमारा छट जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक शंकु का आयतन इतना है तो आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो शंकु का आयतन और आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आधार का क्षेत्रफल से हम पहले रेडियस निकालते हैं, तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिया है, पाई आर स्क्वायर बराबर 314 करेंगे तो आर का वैल्यू 10 आएगा, फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570 करेंगे, तो सॉल्यूशन करके आपको आएगा एच का वैल्यू 15, तो 15 सेंटीमीटर राइट आंसर है। इसकी मूल बिंदु से दूरी है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 का रूट जोड़ 13, 13 का रूट रूट 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो कार्तीय समीकरण में इतना कि कोटि का मान है, तो कोटि होती है एक्स अक्ष से दूरी, कोटि होती है एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष के से दूरी भुज हो गया पहला, और भुज हो गया हमारा, तो कोटि इसका -4 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, इतना शीर्ष से केंद्र कितना है, तो तीसरे शीर्ष सी का नियामक होगा त्रिभुज ABC के, हाँ तो कुछ नहीं है, तो इसमें क्या करना है, 2+1+ कोई एक भी आ जाएगा शुरू वाला भी, तो हो जाएगा 2+1+x/3 = 3, 3 × 9 में से 3 गया तो 6, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, बिंदु इतना को मिलाने रेखाखंड का नियामक, तो जोड़ देंगे इसको 2 2 का बटा 1 और 4 का बटा 2, ये तो गलत मार दिया है, 2 2 का बटा 2 है ना, 2 का बटा 2, तो 1 और 4 2, तो 1 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अभाज्य संख्या है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 29 है, मीनार इतना से दूरी पर, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो यहाँ पे फिगर बना दिया है मैंने, 100√3 हो जाएगा इसका वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी वृत्त दोनों को स्पर्श करती है, तो वृत्त की त्रिज्या 14 का आधा हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाद में है, तो ये प्रथम पाद में है, दोनों पॉजिटिव है। चलिए नेक्स्ट, इसका बहुलक क्या है, तो कौन सबसे ज्यादा बार आया है, 1 2 3 4, 3 सबसे बार आया है, तो बहुलक हो गया डी। चलिए अर्धवृत्त का परिमाप इतना है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, चलिए तो निकाल लेते हैं, तो इसका होगा 14, क्योंकि इसमें फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2 आर, तो मैंने कैलकुलेट किया तो 14 आया। चलिए कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है 10 थीटा के बराबर होता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों के लिए कारगर हो, फायदेमंद साबित हो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल के ग्रो के लिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, और बहुत ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह से हिंदी और संस्कृत के भी वीडियो, और जब तक आपका रिजल्ट नहीं निकले और आगे के भी पढ़ाई के लिए बहुत सारे वीडियोज लाता रहूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।